Okay, करें स्टार्ट. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर ऑफ लीवरेजेस. लीवरेजेस ऑलरेडी आप लोगों को हो चुका है, बट फिर भी मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ. लीवरेजेस का मतलब क्या होता है? लीवरेजेस मीन्स चेंजेस. लीवरेजेस का मतलब क्या रहेगा? लीवरेजेस का मतलब होता है चेंजेस. देखो, नॉर्मली अगर हम लोग बिजनेस में सेल करते हैं, या तो जो हमारी रेगुलर ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, उनके वजह से हमारे प्रॉफिट में जो भी चेंजेस हो रहा है, दैट इज नोन एज अ ऑपरेटिंग लीवरेज. उसको क्या बोला जाएगा? ऑपरेटिंग लीवरेज. हमारे पास तीन लीवरेजेस हैं: ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज. हमारे बिजनेस में जो रेगुलर एक्टिविटी है, उनके वजह से हमारे बिजनेस में जितने भी बिजनेस के प्रॉफिट में जितने भी चेंजेस होते हैं, दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग लीवरेज. सेकेंड वन हम लोगों का आता है फाइनेंशियल लीवरेज. जो हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है, लाइक इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर्स है, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, इनके कॉम्बिनेशन में अगर हम लोगों ने चेंजेस किया, तो उनके वजह से अगेन प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट होगा. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, समझ लो हमारा सेल्स था 50,000 रुपीज़, ये हमारा सेल्स है. उसमें से हम लोगों ने वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट दोनों माइनस किया, समझ लो टोटल है 30,000. फिर हम लोगों को मिलेगा 20,000 का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एज वेल एज व्हाट टैक्स. फिर इसमें से क्या माइनस करना पड़ता है? इंटरेस्ट. ओके, इंटरेस्ट किसके ऊपर आता है? लोन के ऊपर. समझो हमारा पहला वाला लोन 10,000 का था, तो 10,000 के ऊपर समझो 10% है, तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 1,000. वहीं अगर हम लोगों ने लोन का अमाउंट, या तो जो लोन का शेयर है, रेशो है, वो चेंज कर दिया, समझ लो कि हम लोगों को टोटल फंड चाहिए 50,000 बिजनेस करने के लिए, इसमें से हम लोगों ने लोन लिया 10,000 का, ओके, तो बचा कितना? 40,000. ये हम लोग इक्विटी शेयर के थ्रू इशू करें. ये था प्रपोर्शन ऑफ द फाइनेंस. मतलब अगर बिजनेस करना है तो फंड चाहिए, और ये हमारे सोर्सेस ऑफ फंड है. बिजनेस में जो भी फंड हम लोग क्रिएट करें, इसके दो सोर्सेस है. तो अब इफ योर लोन इज 10,000, उसके ऊपर 10% कितना आएगा? 1,000 आएगा. तो 1,000 अगर माइनस करते हैं, तो आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा? 19,000. वही अगर हम लोगों ने ये प्रपोर्शन चेंज कर दिया, फाइनेंशियल डिसीजन चेंजेस किए, और ये लोन 20,000 का किया, और जो इक्विटी शेयर है हम लोग 30 का इशू करेंगे, नाउ 20,000 के ऊपर 10% कितना आ जाएगा? 2,000. हाँ, है ना? तो 20 के प्रॉफिट में से 2 गया, तो प्रॉफिट कितना मिलेगा? 18,000. तो जो फाइनेंशियल डिसीजंस है, अगर उनमें चेंजेस हुआ, तो अल्टीमेटली हमारे प्रॉफिट के ऊपर भी चेंज होता है, एंड दैट लीवरेजेस, दैट चेंजेस इज नोन एज अ फाइनेंशियल लीवरेजेस. समझ में आया फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है? ऑपरेटिंग का मतलब क्या बताया था? हमारे बिजनेस के जो रेगुलर एक्टिविटीज है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, वी कैन से दैट लाइक सेल है, या तो कॉस्ट इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, तो इनकी वजह से भी प्रॉफिट में चेंजेस होता है, उनको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज. क्लियर हो गया? तो हमारे रेगुलर बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से प्रॉफिट में चेंज हो गया, तो वो ऑपरेटिंग लीवरेज है. फाइनेंसिंग डिसीजन में चेंजेस हो गया, तो उसकी वजह से प्रॉफिट में इफेक्ट होता है, दैट इज नोन एज अ फाइनेंशियल लीवरेज. एंड थर्ड वन आता है हम लोगों का कंबाइंड लीवरेज. ऑपरेटिंग एक्टिविटी एज वेल एज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, दोनों में अगर चेंजेस हुआ, तो इसकी वजह से प्रॉफिट में चेंजेस हो जाएगा, एंड दैट इज नोन एज अ विच लीवरेजेस, कंबाइंड लीवरेज. समझा मैंने क्या बताया? कंबाइंड वापस बता रही हूँ, तीन लीवरेजेस है. फर्स्ट वाला वन था ऑपरेटिंग, रेगुलर एक्टिविटी की वजह से जो चेंजेस होता है प्रॉफिट में, वो ऑपरेटिंग लीवरेज, राइट है. सेकेंड वन इज व्हाट? हमारे बिजनेस की जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, उनके वजह से जो चेंजेस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल लीवरेज. यस और नो? और इनके अलावा अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी एज वेल एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अगर दोनों की वजह से प्रॉफिट में चेंजेस हुआ, तो दैट इज नोन एज अ विच लीवरेज? कंबाइंड लीवरेज. दोनों का कंबाइंड है, ठीक है ना? तो इनके कुछ फॉर्मूलाज है, बट ये फॉर्मूला प्रिपेयर करने से पहले, या तो सॉल्व करने से पहले, वी हैव टू यूज वन स्टेटमेंट. एक स्टेटमेंट अगर हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा कंपल्सरी. इसको बोला जाता है कैलकुलेशन ऑफ, स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट. तो ऑब्वियसली सबसे पहले यहाँ कॉर्नर में लिखा जाता है यूनिट्स. क्या लिखा जाता है कॉर्नर में? यूनिट्स, ठीक है. यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर, यहाँ पे आएगा हम लोगों का पर यूनिट. ओके, अगर यूनिट्स है तो पर यूनिट एज वेल एज अमाउंट. किसी को कोई डाउट है? फॉर्मेट एकदम सिंपल फॉर्मेट है, जो आप लोगों को इसके पहले पता है, हम लोगों ने यूज किया था. सबसे पहले आता है हमारा सेल्स. सेल्स में से हम लोग माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट. अल्टीमेटली वी गॉट अ कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, हम लोगों को मिलेगा प्रॉफिट. बट दिस इज नोन एज अ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस करने के पहले का प्रॉफिट है. ये लॉजिक समझ में आया? सेल्स हमारा इनकम है, उसमें से हम लोगों ने वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस किया, राइट? और फिर हम लोगों को क्या मिलने वाला है? प्रॉफिट, अर्निंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. अगर अमाउंट सोचेंगे, ये पर यूनिट का अमाउंट सेल्स में होता है,
वेरिएबल कॉस्ट में होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन में होगा, ओके। पर यूनिट इन टू यूनिट वी गॉट अमाउंट, क्वेश्चन में एक यूनिट का वैल्यू देके रखा है और यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स है, जैसे कि 50,000 यूनिट आप सोल्ड कर रहे हो और एक का सेलिंग प्राइस 10 है, तो यहाँ 10 लिखा जाएगा, यहाँ 50,000, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सेल्स मिलेगा, क्लियर? ये नॉर्मल लॉजिक। देन वेरिएबल कॉस्ट है, उसका मल्टीप्लीकेशन यूनिट के साथ किया तब भी हम लोगों को टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा, एंड देन माइनस करके वी गॉट अ कॉन्ट्रीब्यूशन। ये जो पर यूनिट का कॉलम है ना, वो सिर्फ ये तीन हेडिंग तक यूज होता है, उसके बाद पर यूनिट का कॉलम का रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके लिए वो स्टार्टिंग के तीन लाइन के लिए ही आप ड्रॉ करो। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट में इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो वो नहीं लिखा तो भी चलेगा, बराबर है। फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने का हम लोगों को मिलेगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इट इज ऑल्सो नोन एज अ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसी को हम लोग अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बोल सकते हैं, राइट है। ओके, फिर इसमें से ऑब्वियसली हम लोग माइनस करेंगे इंटरेस्ट विच इज कैलकुलेटेड ऑन लोन, फिर हम लोगों को मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स या तो अर्निंग बिफोर टैक्स, देन वी हैव टू माइनस व्हाट टैक्स एंड वी गॉट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यस और नो? ओके, इसमें से हम लोग माइनस करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड, अगर प्रेफरेंस शेयर्स है तो, एंड देन यू गॉट लास्ट अमाउंट दैट इज नोन एज अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक फॉर्मेट? और इसमें सारे अमाउंट आएंगे, जो भी फिक्स कॉस्ट है वो यहाँ पे, यू गॉट ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, यू गॉट ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स, लेस टैक्स वी गॉट ईएटी अर्निंग आफ्टर टैक्स, एंड फिर प्रेफरेंशियल डिविडेंड रहेगा तो माइनस करो, वी गॉट अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स। आई होप नो डाउट इन दिस, समझा कि नहीं? किसी को कुछ डाउट है? ओके, अब हम लोग देखेंगे कि हमारे लिवरेजेस के फॉर्मूलाज क्या है, लिवरेजेस के फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग हम लोग सम को सॉल्व करेंगे, राइट? मैंने बताया था यहाँ हमारी है थ्री लिवरेजेस, फर्स्ट वन इज अ ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू, इसका कौन फॉर्मूला बनता है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ई बी आई टी। अब कॉन्ट्रीब्यूशन क्या आप लोगों को पता है, यस और नो? कॉन्ट्रीब्यूशन से यहाँ पे आपको मिलेगा कॉन्ट्रीब्यूशन, उसको ईबीआई से डिवाइड करेंगे ऑपरेटिंग लिवरेज। सेकेंड हमारा फॉर्मूला आता है फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स, दिस इज योर फाइनेंशियल लिवरेज। एंड थर्ड वन होता है कंबाइंड लिवरेज इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ई बी टी। ऑब्जर्व करो, कंबाइंड लिवरेज इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो फर्स्ट फॉर्मूला का न्यूमरेटर एंड सेकंड फॉर्मूला का डिनोमिनेटर से बनता है ये फॉर्मूला, दैट इज नोन एज अ कंबाइंड लिवरेज। तो कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ई बी टी एज वेल एज इसका और एक फॉर्मूला है कंबाइंड लिवरेज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लिवरेजेस इन टू फाइनेंसिंग लिवरेज। दोनों को आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे तभी भी आपको आंसर सेम ही मिलेगा, समझ में आया? ओके, तो दिस इज योर फॉर्मेट थ्योरी क्वेश्चंस। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर, टेक्सटबुक रहेगा तो निकालो एंड क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर जाओ। इसके क्वेश्चन 5 से शुरू हो रहा है, मेरे पास जो टेक्सटबुक है उसका पेज नंबर है 260, प्रॉब्लम्स ऑन लीवरेज करके क्लियरली दिया है, सब्जेक्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, राइट ना? यस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पेज नंबर 260 चेक करो, कौन से चैप्टर के अंदर है ये? फंड एस्टिमेशन इन प्रोजेक्ट, फाइंड एस्टिमेशन इन प्रोजेक्ट, फंड एस्टिमेशन इन द प्रोजेक्ट चैप्टर में अनुष्का मिला आपको? हां। ओके, गुड, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, एन एनालिटिकल प्रोसेस स्टेटमेंट ऑफ द क्यूमियन कंपनी, क्लियरली बोला है क्वेश्चन में, एनालिटिकल स्टेटमेंट देके रखा है क्यूमियन कंपनी शोन बिलो, इट इज बेस्ड ऑन द आउटपुट बेस्ड आउटपुट सेल्स लेवल, सेल्स अवेलेबल है क्वेश्चन में समथिंग, वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट बोला है, ऑब्वियसली जो फिक्स कॉस्ट चाहिए वो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ही चाहिए, यू गॉट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेस इंटरेस्ट यू गॉट अर्निंग बिफोर टैक्स। ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको फॉर्मेट देखे रखा है, वापस फॉर्मेट बनाने का जरूरत है क्या? लेस टैक्स 50% एंड देन यू गॉट अर्निंग आफ्टर टैक्स, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज, हम लोगों को ये फाइंड आउट करने का। चलो स्टार्ट करें।
ओके तो यहाँ पे हम लोगों को ये स्टेटमेंट लगाने का जरूरत नहीं है क्योंकि जिस फॉर्मेट में हम लोगों को स्टेटमेंट चाहिए वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, तो वी ऑल टू सॉल्व ओनली दिस थ्री फॉर्मुलास, बराबर ना? बोर्ड पे ध्यान देना। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 7, आप मुझे डेटा बताओगे। ओके पेज नंबर समथिंग 260। ओके नाउ स्टार्ट, फर्स्ट वन दे से दैट एंड ऑफ द ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला पता है सबको, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआरटी। चलो बताओ कंट्रीब्यूशन कितना है? 4 लाख। 4 लाख का कंट्रीब्यूशन है एंड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,60,000। करो फॉर्मूला सॉल्व कर डायरेक्टली, 4 लाख डिवाइडेड बाय 1,60,000 2.5, दैट इज यहाँ लिखेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू 2.5। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू 2.5:1। दोनों कैसे भी लिखो दोनों का मीनिंग सेम है। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये डिनोमिनेटर 1 है तो उसके कंपैरिजन में ये कितना टाइम्स है? 2.5 टाइम्स है। ये इसका मीनिंग है, राइट ना? मतलब ईबीएफटी के कंपैरिजन में हमारा कंट्रीब्यूशन 2.5 टाइम्स है। ओके समझा। सेकंड हमारा फॉर्मूला है फाइनेंशियल लीवरेज, फॉर्मूला है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, सही है? अब ईबीआईटी बोलो 1,60,000 डिवाइडेड बाय ईबीटी है 1 लाख। करो डिवाइड 1.6, तो लिखेंगे फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू 1.6 हो गया। फिर हम लोगों को चाहिए कंबाइंड लीवरेज। फर्स्ट फॉर्मूला का न्यूमरेटर दैट इज अ कंट्रीब्यूशन एंड सेकंड फॉर्मूला का डिनोमिनेटर दैट इज अ ईबीटी। तो कंट्रीब्यूशन है हमारे पास दैट इज 4 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख दैट इज 4। तो लिखेंगे कंबाइंड लीवरेज इक्वल टू 4। इसका दूसरा फॉर्मूला भी यूज करके देखते हैं, क्या फॉर्मूला था? कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर था 2.5, फाइनेंशियल का आंसर था 1.6। अब करो मल्टीप्लाई 4, तो कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल टू 4। तो देखो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करो आपको आंसर सिमिलर मिलेगा। देन नाउ ओपन क्वेश्चन नंबर 7, मिला कैलकुलेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब जो डेटा दिया उसके वो टेबल फॉर्मेट में नहीं है, तो वी हैव टू प्रिपेयर इट इन द टेबल फॉर्मेट। उसको हम लोगों को टेबल फॉर्मेट में यूज करना पड़ेगा। ओके सेल्स है 1 लाख यूनिट्स, एट अ रेट ऑफ रुपीज 2 पर यूनिट 2 लाख। तो सेल्स 1 लाख यूनिट्स है, तो यूनिट मतलब क्वांटिटी इज गिवन, पर यूनिट प्राइस इज ऑल्सो गिवन 2 रुपीज पर यूनिट एंड उसका टोटल वैल्यू दिया है 2 लाख। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 0.70, फिक्स्ड कॉस्ट इज 1 लाख, इंटरेस्ट चार्जेस इज 3,668। व्हिच कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज कंस्टिट्यूट रिस्की सिचुएशन एंड आइडियल सिचुएशन, ये हम लोगों को उन्होंने बोला है। ओके तो ये हम लोग सबसे पहले लास्ट में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट, बराबर ना? तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 7। पेज नंबर 261। ओके सबसे पहले हम लोग को स्टेटमेंट बनाना है। स्टेटमेंट ऑफ इनकम भी आप लिख सकते हो या तो इनकम स्टेटमेंट भी लिखो चलेगा। यहाँ लिखने चाहिए यूनिट और आई थिंक अपने यूनिट्स कितने हैं चेक करो जरा, 1 लाख। तो यूनिट्स में लिखेंगे 1 लाख यूनिट। फिर आएगा एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट जहाँ पर यूनिट के लिए होंगी 3-4 लाइन, फिर अमाउंट पर यूनिट, अमाउंट एज वेल एज वॉट पर्टिकुलर्स। ओके नाउ इसके बाद आता है सेल्स। सेल्स 2 रुपीज पर यूनिट है, नाउ ध्यान दो 1 लाख इंटू 2 वी गॉट 2 लाख। फिर उसमें से हम लोग माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, हाउ मच इज अ वेरिएबल कॉस्ट? 0.7 पर यूनिट, तो 0.7 इंटू 1 लाख वी गॉट 70,000। करके देखो 2 - 0.7 कितना मिलेगा? 1.3। ठीक है तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट वी गॉट व्हाट कंट्रीब्यूशन, 1.3 का कंट्रीब्यूशन है, 1 लाख इनटू 1.3 वी गॉट 1,30,000। फिर हम लोगों को चाहिए लेस फिक्स्ड कॉस्ट, हाउ मच इज योर फिक्स्ड कॉस्ट? क्वेश्चन में देख रखा है इट इज ओनली 1 लाख, 1,30,000 माइनस 1 लाख वी गॉट 30,000 एंड दिस 30,000 इज नोन एज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। लेस इंटरेस्ट 3,668, करो माइनस
32. And this is known as earning before tax. फिर हम लोग माइनस करेंगे टैक्स. टैक्स का परसेंटेज दिया है क्या क्वेश्चन में, चेक करो. नहीं दिया है तो नहीं कर सकते, तो छोड़ दो इसको ऐसे. अर्निंग बिफोर टैक्स का सब खत्म. ये समझ में आया. अब हम लोगों को चाहिए ऑपरेटिंग लीवरेज. बोर्ड पे ध्यान देना. फॉर्मूला पता है सबको, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईडी. कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हमारा 130,000 डिवाइडेड बाय ईबीआईडी 30,000. करो कैलकुलेशन. 1.13. This is known as a financial leverage 1.13. उसके बाद है थर्ड वाला combined leverage. Contribution upon EBT. Contribution है 130,000 divided by 26,332. 4.93.
अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट $2,200. अब ध्यान दो 100 - 50 = 50 यहाँ तक चाहिए हम लोगों को पर इसके बाद जरूरत नहीं. Now what is your fixed cost? It is also given 66,000. 110,000 में से 66,000 माइनस करो. कितना? 44,000. Okay. 44 - 22. Again कितना मिलेगा? 22,000. हो गया आपका statement. Any doubt in this? तो statement बन गया. तो we have to find out basic leverage, three leverages. First one is operating leverage, financial leverage as well as combined leverage. Now we are starting with the question number 16. Z Shorts Limited had a gross sales of rupees 980.2 crores in the 2005. The other financial data for the company is given below. Items लेके रखा है और value crores में available है. Net worth 152.31, borrowings 165.47, EBIT 43.17, interest 34.39 and fixed cost is 118.23. These are the information is given. You are required to calculate debt equity ratio, interest coverage ratio. These are the two different points. ये अलग points हैं, ये मैं आपको करके दिखाऊंगी. तो क्या क्या पूछा है? डेप्ट इक्विटी रेशियो पूछा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पूछा है, एज वेल एज ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज. मैं स्टेटमेंट बना के दिखाऊंगी और ये दो एक्स्ट्रा फॉर्मूला करके दिखाऊंगी. आप लीवरेजेस कर सकते हो फिर. ओके ठीक है. दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 16. पेज नंबर बोलो प्लीज. 268. वी हैव टू प्रिपेयर फर्स्ट वन इनकम स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट में अगेन पर यूनिट अमाउंट एंड वॉट पर्टिकुलर. समझा है यहाँ तक? ये राइट है. ओके उसके बाद आएगा सबसे पहले वॉट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट वी गॉट कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट वी गॉट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेस टैक्स वी गॉट अर्निंग बिफोर टैक्स. अच्छा पहले इंटरेस्ट देन वी गॉट अर्निंग बिफोर टैक्स. टैक्स आएगा तब देखिए. ठीक है फिलहाल तो नहीं, ये तो नहीं लिखा. अब सबसे पहले नेटवर्क है. नेटवर्क का मतलब इक्विटी शेयर्स होते हैं तो उसको कुछ नहीं होगा. पहले लाइन में देखो सेल्स लेके रखा है. कितना है सेल्स? 980.12. इसमें यूनिट्स नहीं है तो यूनिट्स नहीं है तो पर यूनिट कॉलम का हम लोगों को जरूरत नहीं था. राइट अगर हमारे क्वेश्चंस में यूनिट्स देके रखा है तब हम लोग पर यूनिट बनाएंगे. अदरवाइज सीधा जो भी कॉलम रहेगा वो हमारा कौन सा कॉलम रहेगा? अमाउंट कॉलम रहेगा. समझ में आ रहा है जो भी है वो? ओके 980.2 का सेल्स अवेलेबल है. उसके बाद क्या लेके रखा है? नेटवर्थ का मतलब होता है इक्विटी शेयर. बोरिंग का मतलब होता है डेप्थ लोन. तो फिलहाल ये यूज नहीं होगा. ईबीआईटी लेके रखा है 43.17. तो ईबीआईटी के सामने लिखेंगे 43.17. ओके उसके बाद इंटरेस्ट है 34.39. ओके जो जो अवेलेबल है वो लिख देते हैं. अनफिक्स्ड कॉस्ट अवेलेबल है 118.23. राइट है. अब जरा सोचो जब हम लोग ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो ईबीटी मिलेगा. करो 43.17 माइनस 34.39 कितना आता है? 8.78 हो गया ये पॉइंट. अभी यहाँ ध्यान दो प्लीज. जब कुछ तो कुछ कंट्रीब्यूशन था उस कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे तो ये मिलता. तो अगर रिवर्स जा रहे तो साइन अपोजिट. मतलब 43.17 प्लस 118.23 वी गॉट कंट्रीब्यूशन. मतलब EBIT में फिक्स कॉस्ट को ऐड करेंगे तो हम लोगों को कंट्रीब्यूशन मिलेगा. कितना कंट्रीब्यूशन? 161.4. फिर वेरिएबल कॉस्ट चाहिए मतलब दोनों का डिफरेंस 980.2 माइनस 161.4 हो गया पूरा टेबल कंप्लीट. मतलब क्वेश्चन में कभी कभी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं रहेगा तो हम लोगों को रिवर्स जाके पूरा कंप्लीट करना है. तो ये तो पार्ट खत्म. अभी हम लोग को चाहिए फॉर्मूला. पहला वाला फॉर्मूला कौन सा है? डेप्ट इक्विटी रेशियो. इक्विटी
रेशियो। अकॉर्डिंग टू दिस वर्डिंग देखो डेप्थ डिवाइडेड बाय इक्विटी, तो डेप्थ मतलब बोरिंग्स, बोरिंग्स कितना हमारे पास 165.47 एंड इक्विटी मतलब नेटवर्क और वो अवेलेबल है 152.31। करो कैलकुलेशन 5.47 डिवाइड बाय 152.31 1.08 समझा कि नहीं समझा? किसको कुछ डाउट है इसमें? बोलो फटाफट यस और नो। उसके बाद इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यस अभी हम लोग इसको लिखेंगे डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू 1.08:1 हो गया। अब इसके बाद हम लोगों का आता है सेकेंड वन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, उसका फॉर्मूला है EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। इसका मीनिंग क्या होता है देखो, EBIT का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एक एग्जांपल ले लेंगे, समझ लो हमारे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है ना वो है 10,000 और इंटरेस्ट समझ लो है हमारे पास 5,000, बराबर ना? तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारे इस प्रॉफिट में हमारा इंटरेस्ट 2 times कवर हो रहा है कि नहीं? इसको बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो जितना प्रॉफिट है उसके कंपैरिजन में इंटरेस्ट कितना है, अब वो इंटरेस्ट कितना टाइम उसमें कवर हो सकता है। अगर हमारा इंटरेस्ट 5,000 है तो 5,000 का इंटरेस्ट में कितना टाइम कवर हो सकता है? 2 times कवर हो सकता है। आया ना? तो ये वाला लॉजिक हो। अभी बोलो EBIT कितना आया हम लोगों का है 43.17 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट 34.39 करो 1.25 तो ये हो गया 1.25 times। समझ में आ? मतलब हमारा इंटरेस्ट 1.25 times कवर हो जाएगा। दैट इज नोन एज अ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। देन आई होप नो डाउट अप टू दिस। हाँ या ना? इसके बाद उन्होंने क्या पूछा है बता? लिवरेज। उसमें आएगा ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एज वेल एज नॉट कंबाइंड लिवरेज। और ये आप खुद निकाल सकते हो ना जब डेटा को पुट करने का, राइट है? ओके पॉसिबल। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 18। फॉलोइंग इन प्रोजेक्शंस आर रिलेटेड टू द कंपनी सेल्स इन अ यूनिट। सेल्स यूनिट में लेकर रखा है तो कहाँ लिखा जाएगा? कॉर्नर। वेरिएबल कॉस्ट है 4 पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट अवेलेबल है 2,40,000। देन अगेन इंटरेस्ट बर्डन ऑन डेट, तो दिस इज इंटरेस्ट and selling price per unit is a 10. On the basis of our data, calculate operating leverage, financial leverage, combined leverage. आप ये टेबल बना सकते हो खुद से, इनकम स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, एज वेल एज इसके लिवरेजेस भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बोलो 20। प्लीज ओपन द क्वेश्चन नंबर 20। अनुष्का आप कर सकते हो ये सब 18 वाला सब? ओके। कंप्यूट द ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सेल्स आर 1 lakh यूनिट at rupees 2 per unit. वहाँ पे printing mistake है, वहाँ 2 होना चाहिए था। 1 lakh हमारे number of unit है, 2 per unit उसका value है। Variable cost है 0.70 per unit. तो this is our variable cost 0.70. Yes or no? उसके बाद next one fixed cost available है 1 lakh and interest charges available है 3,66. ये भी आप खुद solve कर सकते हो। Simple है, unit से जो corner में लिखा जाएगा 1 lakh into 2 your sales. 1 lakh into 0.70 we got variable cost, fixed cost already देख रखा है, उसमें से interest minus करो, जो भी amount आएगा उसमें से, and then we have to find out the three formulas. कर सकते हो? 20 हो गया। अब amount same लिखना है। Now open the question number 21, please. Calculate the degree of operating leverage, degree of financial leverage and degree of the what? Combined leverage in the following terms. Data देखो तीन forms है, A, B, R, L, C. Sales rupees में available है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अवेलेबल है, फिक्स्ड कॉस्ट भी रुपीस में, आउटपुट इन यूनिट्स एंड इंटरेस्ट। तो एट अ टाइम आपको तीन कंपनी दिया तो उन लोगों को भी तीन कंपनी का डेटा प्रिपेयर करना होगा। कैसे करेंगे ध्यान दो, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 21, पेज नंबर बोलो 272। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर विच स्टेटमेंट? इनकम स्टेटमेंट, राइट है? इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास पहला कॉलम आएगा पर्टिकुलर्स। तीन कंपनीज है तो कंपनी ए, कंपनी बी एज वेल एज कंपनी सी। कंपनी ए,
बी एज वेल एज सी, उसके अंदर आएगा यस पर मिनट के लिए अपनी 3 to 4 लाइन चाहिए तो उतना ही ड्रॉ करो. यहाँ हम लोग लिखेंगे यूनिट्स, ये हमारा पर्टिकुलर है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे यूनिट्स लिखेंगे राइट ना. और फिर उसके बाद यहाँ पे होगा पर यूनिट एज वेल एज व्हाट अमाउंट, पर यूनिट अमाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में पर यूनिट का इन्फॉर्मेशन है तो यूनिट एंड पर यूनिट आया तो कॉलम बनना ही चाहिए. अब पहले फॉर्मेट को थोड़ा कॉपी कर लेते हैं. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट वी गॉट कॉन्ट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट वी गॉट earning before interest and tax, less tax we got earning, sorry less interest we got earning before tax, tax आएगा तो बाद में देखेंगे. ओके अब देखो सेल्स अवेलेबल है 3,60,000 अमाउंट में दिया है ना तो लिखा अमाउंट कॉलम में 3,60,000. देन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 20, तो वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट में लो, ये लाइंस को एक्सटेंड करो तब कि आपको समझेगा कैलकुलेट कैसे करना है राइट. ओके वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अवेलेबल है तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लिखा. देन अगेन वेरिएबल कॉस्ट 150 अवेलेबल है तो 150 का वेरिएबल कॉस्ट लिखा राइट. उसके बाद हम लोगों का वेरिएबल कॉस्ट 2 rupees है तो 2 rupees पर यूनिट लिखा, यस और नो. आफ्टर दैट फिक्स्ड कॉस्ट अवेलेबल है 72,000 इन अमाउंट, तो ए वाला में 72,000, देन बी वाला में हाउ मच 1,40,000 एंड सी वाला में रहेगा 15,000. देखो क्वेश्चन में जितना रेट है सारा लिख देते हैं. सेल्स भी लिख देते हैं, बी कंपनी का अवेलेबल है हाउ मच 7,50,000 एज वेल एज व्हाट सी कंपनी का 1,00,000. ऑब्जर्व करें जो डेटा अवेलेबल है वो लिख दिया. एंड लास्ट वन आउटपुट यूनिट्स है, बताओ यूनिट कितना है. 6,000 ए में 10,000 लिखा. ओके उसके बाद हमारे पास अवेलेबल है इंटरेस्ट, पहले बार हमें कितना 40,000, देन नेक्स्ट में 80,000 और लास्ट वाले में 80. ओके नो प्रॉब्लम, जो डेटा है वो लिख दिया. अब जो इनकम्प्लीट है वो कंप्लीट करेंगे. सबसे पहले सेल्स का अमाउंट अवेलेबल है, इस अमाउंट को डिवाइड करो यूनिट से, यू आर पर यूनिट करो 3,60,000 डिवाइडेड बाय 6,000 कितना आया 60. अगेन 7,50,000 डिवाइड बाय 1,500, तो अमाउंट को अगर यूनिट से डिवाइड करेंगे यू आर पर यूनिट कितना आया 5. And 1,00,000 divided by 10,000. 500. Now 1,00,000 divided by 10,000. डेटा कंप्लीट कर सकते हैं. ध्यान दो मैं एक करके दिखा रही पूरा, आप ये दोनों कंप्लीट कर सकते हैं राइट ना. अभी हम लोग एक के ऊपर जाते हैं. 20 into 6,000 करो, 20 into 6,000 1,20,000. Now 3,60,000 minus 1,20,000 2,40,000 minus 72,000 करो 1,68,000 उसमें से माइनस करके 40,000 हो गया ईबीटी. सेम आप इसका कर सकते हो दोनों का. ओके दिस इज फॉर बी एज वेल एज सी. अभी टैक्स तो है नहीं तो बन गया. अभी क्या चाहिए हम लोगों को, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, सेकेंड वन डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज एंड थर्ड वन इज द डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज. देन आप कर सकते हैं अनुष्का, आप कर सकते हो, समझा ये वाला पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 नहीं दिया था ना, 23 ओपन करो प्लीज. दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल, गिवन इन्फॉर्मेशन फॉर ईयर वॉज सेल्स ऑफ 5,00,000, तो सेल्स में लिखेंगे 5,00,000, वेरिएबल कॉस्ट में लिखेंगे 3,00,000, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट दैट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट 1,00,000, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग इज 20,000, कैलकुलेट ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज. बस उन्होंने दो लिवरेजेस पूछे हैं, आप इसको कर सकते हो ना. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, 24 क्वेश्चन नंबर 24. ओके ये भी आप कर सकते हैं.
compute the different leverages from the following information. Sales, variable cost, interest, fixed cost. All data is already given. बस डेटा को पुट करो और उसका फॉर्मूलाज करो. कर सकते हो? नेक्स्ट वाला सम भी आप कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 25. प्लीज ध्यान दो. कैलकुलेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एज वेल एज कंबाइंड लिवरेज फॉर्म ए बी एज वेल एज सी. आउटपुट इन यूनिट 50,000, 20,000, 10,000. तो आउटपुट देकर रखा है जो इस तरह से ऊपर लिखा जाएगा यूनिट्स में. देन फिक्स कॉस्ट अवेलेबल है 16,000, 10,000, 20,000. वेरिएबल कॉस्ट अवेलेबल है 2.55. दिस इज योर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. इंटरेस्ट क्वेश्चन में देखे रखा है 5,000, 10,000, 7,000. एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 5, 4, and 10. देन यहाँ तक समझ में आया? ओके, तो जो भी इन्फॉर्मेशन दिया जस्ट पुट करो, पूरा टेबल बनाओ ए बी एज वेल एज सी का. यहाँ पे यूनिट्स का इन्फॉर्मेशन है तो वी हैव टू प्रिपेयर पर यूनिट एज वेल एज अमाउंट एंड एंड में फाइंड आउट करो तीनों फॉर्मूलाज. कर सकते हो?